हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आज बद्दी में एक निजी होटल में प्रदेश कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष दिलावर सिंह चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को कुल्लू प्रकरण पर घेरा। उन्होंने पहले कहा कि कोरोना से निपटने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है और साथ ही प्रदेश के अफसरों से काम लेने में सरकार फेल साबित हो रही है। महंगाई व भ्रष्टाचार रोकने और कानून व्यवस्था को कायम रखने में सरकार फेल साबित हुई है, जिसके चलते आज प्रदेश के हर विभाग का बुरा हाल है। दिलावर सिंह चौधरी ने कहा कि अगर कोरोना में जनता, सामाजिक संगठन और विपक्ष आगे आकर जनता की सहायता न करता तो प्रदेश में हालात और अधिक बदतर होनी थी। चौधरी ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री के सामने सारा प्रकरण हुआ, लेकिन उन्होंने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है कि कोरोना काल में जो है कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर भरपूर काम किया है और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लोगों की सेवा में लगी रही और कोरोना काल में लोगों की सेवाएं करते हुए हमारे ओबीसी विभाग भी पीछे नहीं रहा और उसके तहत जहां से हमारे जो उपाध्यक्ष थे प्रदेश कमेटी में गुरपाल जी, उन्होंने पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें लगभग 40 दिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जेब से अपनी टीम के सहयोग के साथ जो है दो टाइम का लोगों को खाना खिलाया, सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे, उसके तहत भी हम इनको धन्यवाद देते हैं और पार्टी में इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि बहुत बढ़िया कार्य किया लोकसभा के लिए। उसके तहत जो सरकार बड़ी बड़ी बातें, सरकार के मंत्री, जहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने 20,00,000 करोड़ का जो पैकेज इस देश के लिए कोरोना के लिए दिया है वो हिमाचल के हिस्से में कितना आया, जयराम उसके बारे में बताएं। और जो कल की जो घटना हुई है इस प्रदेश के अंदर, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसी घटनाओं से जो है प्रदेश का जो देवभूमि है उसका माहौल खराब होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की, जिस मुख्यमंत्री की प्रशासन के ऊपर पकड़ी नहीं है और उनके इतने बड़े नेता के सामने इतना बड़ा कारनामा हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री को स्वयं मीडिया के सामने आकर सभी लोगों को ये बताना चाहिए कि उस घटना की वास्तविकता क्या है, किसकी गलती है, किस ऑफिसर के तहत उस एक इतने बड़े ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए। जो सरकार है जे प्रदेश के अंदर पूरी तरह फेलियर है। इसने कोरोना काल में ना तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, ना किसी मध्यम वर्गीय परिवार को, ना गरीबों को कोई सहायता प्रदान की है। आज इसी के तहत हम जहां आपसे मिले हैं, और एक और कार्यक्रम था, छोटा था हमारा, एक हमारी जहां से जो जो आपका बीबीएन क्षेत्र है उससे एक छोटी बच्ची है कृतिका झा, जिसने कि जो डांसिंग के लिए जो हमारा नृत्य है और जो हमारी पुरानी संस्कृति के तहत आता है उसमें एक बड़ा नाम रोशन किया इस क्षेत्र का भी। मैं इसके माता पिता को भी बधाई देता हूँ और साथ में जो हमारी ओबीसी की टीम जो इसको सम्मानित कर रही है उसको भी बधाई देता हूँ कि ये बच्ची आगे चल के बड़ा नाम करेगी और अपने माँ बाप का और इस क्षेत्र का और इस प्रदेश का नाम जो है वो रोशन करेगी। इसी के तहत ये थोड़े से कार्यक्रम थे और आप सब लोग आए हैं तो आपका भी धन्यवाद, पत्रकार मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।